भारत में मिलने वाली प्रमुख पर्वत श्रेणियां और उनकी चोटियां, क्योंकि कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है। तो पूरी क्लैरिटी के लिए एक नए तरीके से भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणियां और चोटियां, इसके साथ हम भारत के आसपास की भी कुछ पर्वत श्रेणियां हम देख लेंगे, जो थोड़ा सा क्लैरिटी लेकर आ जाए, आपको पता चल जाए कि हाँ ये भी एक पर्वत है। तो सबसे उत्तर में भारत से बाहर, मतलब उत्तर में लद्दाख से ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें एक पामीर की गांठ मिलेगी, पामीर ग्रंथि, पामीर का पठार, इसे विश्व की छत, रूप ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, क्योंकि यह समतल और बहुत ऊंचा है। जो माउंट एवरेस्ट होता है वो पीक होता है, चोटी होती है, वो एक तरीके से छत नहीं बन सकती, इसलिए पामीर का जो पठार है काफी ऊंचा पठार है, तो इसलिए उसको विश्व की छत कहते हैं, पर इसको गांठ भी कहते हैं, क्योंकि पामीर के, अगर हम ध्यान से देखें तो पामीर के बाई ओर हमें हिंदू कुश पर्वत श्रेणी मिलती है, उसके बाई ओर हमें कुनलून श्रेणी मिलती है, फिर भारत में प्रवेश करते हैं। सबसे पहली श्रेणी जो कि भारत में हमें उत्तर से दक्षिण की ओर मिलेगी, काराकोरम श्रेणी है। ये हिमालय का हिस्सा नहीं, पार हिमालय का हिस्सा कहलाता है, ट्रांस हिमालय का हिस्सा कहलाता है। इस काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू या गॉडविन ऑस्टिन है। ये काराकोरम की ऊंची चोटी केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। कई लोगों को लगता है भारत में, नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी। केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया दूसरी। फिर काराकोरम के बाद, क्योंकि के बाद एल आता है, तो काराकोरम के बाद आपको लद्दाख की श्रेणी मिलेगी, लद्दाख पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी मतलब एक पर्वत का पूरा सीक्वेंस, चोटी मतलब उस सीक्वेंस में कोई पर्वत का ऊंचा भाग। फिर उसके नीचे आपको मिलेगा जास्कर श्रेणी, जास्कर। ये तीनों श्रेणी के पास, जास्कर के थोड़ा सा दाई ओर आ जाइए, दाई ओर, तो आपको कैलाश श्रेणी मिलेगी, कैलाश। ये वही कैलाश मानसरोवर वाली जो यात्रा के लिए लोग जाते हैं, तिब्बत में है। लेकिन ये चारों श्रेणियां जो अभी मैंने बताई, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये पार हिमालय या ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। उसके बाद हमें एक कंटिन्यू दीवार जैसा पर्वत मिलता है, बहुत ऊंचा पर्वत, जिसको हम महान हिमालय कहते हैं। इस महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी नेपाल में माउंट एवरेस्ट या सागर माथा कहलाती है, पर इसी महान हिमालय की हमारे देश में सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम में है, सिक्किम में। अब कंफ्यूज मत होना, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है ओवरऑल, लेकिन वो हिमालय का हिस्सा नहीं, पार हिमालय, ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, लेकिन महान हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा सिक्किम में। फिर भारत की एक और ऊंची चोटी उत्तराखंड में नंदा देवी है, नंदा देवी। महान हिमालय की पश्चिमी किनारे पर हमें जो ऊंची चोटी मिलती है उसे कहते हैं नंगा पर्वत, क्योंकि इसमें जनरली पौधों की कमियां, पेड़ पौधे नहीं होते, इसलिए इसको नेकेड माउंटेन, नंगा पर्वत कहते हैं। और इस महान हिमालय का सबसे पूर्वी भाग नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में है, नामचा बरुआ। फिर उसके बाद नीचे आइए आप, मतलब दक्षिण की ओर, तो महान हिमालय के ठीक नीचे छोटे छोटे टुकड़ों में मध्य हिमालय मिलता है, मध्य हिमालय। इसकी कई छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है इसमें, महाभारत पर्वत श्रेणी है इसमें, धौलाधर पर्वत श्रेणी है इसमें। तो छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ हिमालय की एक सीरीज है मध्य हिमालय, जिसको लोकल लोगों ने अलग अलग नाम दे दिए हैं। और सबसे अंत में कम ऊंचाई वाले हिमालय की श्रेणी मिलती है, जिसको शिवालिक कहते हैं। इसके बाद हम मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं, भारत का मैदानी भाग। अब फिर प्रायद्वीपीय पठार पर आ जाइए, प्रायद्वीपीय भारत पर आ जाइए, पेनिनसुलर इंडिया पर आइए, और राजस्थान में या गुजरात से लेकर दिल्ली तक में पर्वत मिलता है अरावली श्रेणी, अरावली पर्वतमाला। दुनिया का सबसे पुराना वलित पर्वत है ये। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, गुरु शिखर चोटी का नाम। और जो पर्वत है
उस पर्वत का नाम माउंट आबू और ऐसे पर्वत की पूरी श्रेणी का नाम अरावली। तो अरावली पर्वत श्रेणी में माउंट आबू पर्वत, पर्वत की चोटी का नाम गुरु शिखर। फिर थोड़ा नीचे की ओर आइए तो आपको एक विंध्य पर्वत की श्रेणी मिलेगी। विंध्य के नीचे सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मिलेगी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, धूपगढ़। उसके बाद आप और नीचे की ओर आएंगे तो आपको वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट कंटिन्यू मिलेगा। वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी आपको दक्षिण भारत में अन्नामलाई की पहाड़ी में, अन्नामलाई की पहाड़ी में अन्नाई मुड़ी के नाम से मिलेगी। तो पहाड़ी का नाम अन्नामलाई, चोटी का नाम अन्नाई मुड़ी। उसकी दूसरी ऊंची चोटी जो कि दक्षिण भारत में ही मिलती है, पश्चिमी घाट की, वेस्टर्न घाट की, डोडा बेट्टा। वही ऊपर की ओर थोड़ा सा देखेंगे तो डोडा बेट्टा ये पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी है। और अब आते हैं पूर्वी घाट पर। पूर्वी घाट की अगर हम बातचीत करें तो पूर्वी घाट की अब एक नई चोटी खोजी गई है आंध्र प्रदेश में, जिंदगड़ा पीक। नाम ध्यान से सुनना, जिंदगड़ा पीक 1690 मीटर बताया जा रहा है, ये जिंदगड़ा पीक 1690 मीटर। जी हाँ, मैंने भी पढ़ाया है आपको इसके पहले कि सर आपने तो महेंद्रगिरी बताया था, तो महेंद्रगिरी 1501 मीटर ऊंची उड़ीसा में मिलने वाली चोटी है जो पूर्वी घाट की है, लेकिन वो अब दूसरे नंबर की हो गई, पहले नंबर की हो गई आंध्र प्रदेश की